नमस्ते बच्चों, आज हम दुख का अधिकार नामक पाठ के अगला अंश पढ़ेंगे। पिछले कक्षा में वी ऑलरेडी स्टडीड इस पाठ का प्रतिपाद्य। इस पाठ का प्रतिपाद्य क्या है? इसमें समाज में फैली हुई अंधविश्वासों और ऊंच नीच भेदभाव के बारे में वर्णन किया गया है। बच्चों, पुस्तक खोलकर ध्यान में रखो, पाठ अब शुरू करेंगे। मनुष्यों की पोशाकें उन्हें विभिन्न श्रेणियों में बांट देती है। प्रायः पोशाक ही समाज में मनुष्य का अधिकार और उसका दर्जा निश्चित करती है। वो हमारे लिए अनेक बंद दरवाजे खोल देती है, परंतु कभी ऐसी भी परिस्थिति आ जाती है कि हम जरा नीचे झुककर समाज की निचली श्रेणियों की अनुभूति को समझना चाहते हैं। उस समय यह पोशाक ही बंधन और अड़चन बन जाती है। जैसे वायु की लहरें कड़ी हुई पतंग को सहसा भूमि पर नहीं गिर जाने देती, उसी तरह घास परिस्थितियों में हमारी पोशाक हमें चुप सकने से रोके रहती है। लेखक इस कहानी में बताया है कि हमारे देश में अनेक अभागे लोग हैं जिन्हें दुख मनाने के अधिकार नहीं है। नरेटर नरेट्स इन दिस लेसन अबाउट सम अनलकी पर्संस। समाज में हमारे पोषक देखते ही हमारा स्थान और स्तर निर्धारित हो जाते हैं। अच्छी पोषक वाले आत्मियों मामूली पोषक वाले आत्मियों के संबंध में नहीं रह सकता। Society people consider our status by looking what we wear and looks. अंश बाजार में फुटपाथ पर कुछ गर्बुजे डेलिया में और कुछ जमीन पर बिक्री के लिए रेगे जान पड़ते थे। गर्बुजों के समीप एक अधेड़ उम्र की औरत बैठी रो रही थी। गर्बुजे बिक्री के लिए थे, परंतु उन्हें खरीदने के लिए कोई कैसे आगे बढ़ता। गर्बुजों को बेचने वाली तो कपड़े से मुंह छिपाए सिर को घुटने पर रेगे फफक फफक कर रो रही थी। बाजार में फुटपाथ पर कुछ गर्बुजे टोकरी में और कुछ जमीन पर रहकर एक अधेड़ उम्र की औरत कपड़े से मुंह छिपाए सिर घुटनों पर रहकर फफक फफक कर रो रही थी। वो गर्बुजे बेचने के लिए लाई थी, परंतु उन्हें कोई खरीद नहीं रहा था। गर्बुज बहुत महंगे थे। बच्चों, पाठ में कुछ कठिन शब्द है, उनके अर्थ समझे। अड़चन ऑब्स्टेकल बिक्री सेल अधेड मिडिल एज्ड गर्बुजा ए टाइप ऑफ मस्कमेलन डेलिया स्मॉल बास्केट। In this story, narrator says about one middle-aged lady who sells watermelon in market. She looks like very poor. She is crying while she selling the fruits. Dear students, we will continue this lesson next class. All of you read this chapter 3 or more times. Your test paper and notes attached with this video. Okay, dhanyavaad.